राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रेम भरी बांसुरी बजा रहे होंगे और जामवंती उन्हें सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम वाले भाव महसूस कर रही होती है। दोनों यहाँ पर समय व्यतीत करते हैं जहाँ पर राधा की तरह ही जामवंती श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी का आनंद लेती है। जैसे ही श्री कृष्ण की ओर वो देखती है, जामवंती कहती है कि आज मुझे पता चल गया श्री कृष्ण कि आपकी बांसुरी में कितना प्रेम है और किस तरह गई बरसाने से दौड़ कर चली आई। तो कृष्ण जामवंती को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस बांसुरी बजाता हूँ, जिसके मन में भी प्रेम होता है वो इस बांसुरी की धुन को सुन दौड़ा चला आता है और जिसके हृदय में प्रेम होगा सिर्फ उस तक इस बांसुरी की धुन पहुँचती है। कृष्ण से कहती हैं जामवंती कि श्री कृष्ण आज मैं अपने बालों में गजरा लगाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं पुष्प लेकर आती हूँ। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ, आज तो तुम्हारा ही दिन है, तुम अवश्य जाओ। जैसे ही जामवंती फूल एकत्रित करते हुए गुफा की तरफ जाती है, पीछे से बाघ आ जाता है और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जामवंती जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर एक गुफा में भाग जाती है और अंदर से यहाँ पर पत्थर की मदद से उस गुफा को बंद कर लेती है और अंदर जाकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारती हैं। तभी वहाँ पर बाघ यानी कि सांप खड़ा होता है और वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। ये सब सिचुएशन देखते हुए श्री कृष्ण सांप को कहते हैं कि ये सब मेरी ही लीला है और तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते। सांप मैं जानता हूँ, बाघ के रूप में तुम ही हो। कृष्ण जामवंती से कहते हैं कि मुझे तुम्हें बचाना है, अगर तो मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए किसी और का बलिदान देना होगा। जामवंती कहती है कि श्री कृष्ण मुझे नहीं पता आप किसका बलिदान देंगे, लेकिन आपको जो भी करना है आप कीजिए और मेरी जान बचाइए। श्री कृष्ण ये कहकर बांसुरी बजाते हैं जिसको सुनकर राधा दौड़ी चली आती हैं, जो इस समय गाय के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। वो आकर सोचती हैं कि ज़रूर कृष्ण ने मुझे किसी मंतव्य से ही बुलाया होगा यहाँ पर, ज़रूर किसी के प्राण कष्ट में होंगे और इसीलिए कृष्ण ने मुझे यहाँ बुलाया है। वो बाघ को देखती हैं और अपने पीछे उसे भगाने के लिए विवश करती हैं ताकि बाघ का ध्यान बट जाए और वो श्री कृष्ण और जामवंती को छोड़कर राधा के पीछे आए। राधा जिस प्रकार गाय बनी होती हैं वो पीछे पीछे अपने शेर को ले जाती हैं और वो बाघ उनका ध्यान भटकने के लिए उनके पीछे चला जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। इस तरह जामवंती के प्राण बच जाते हैं। जामवंती पूछती है कि आपने कैसे उस बाघ को भगाया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बाघ आखिर है कौन और वो गाय कौन है जिसका बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिया है। ये कहकर श्री कृष्ण उसे वो सारे दृश्य दिखाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे सांप ने मन ही मन बाघ बनने की इच्छा रखी थी और राधा ने गाय बनने की, और अब कैसे सांप अपनी बाघ के जो रूप में है उसमें राधा को खाने की कोशिश कर रहा है। जामवंती को यकीन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों करेगा, वो मुझ पर क्यों प्रहार करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बाघ का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता है, जो जैसा होता है वो अपने हिंसक प्रभाव को छोड़ ही नहीं सकता और इसीलिए सांप तुम्हें शिकार बनाना चाहता है, क्योंकि उसे गुस्से में कोई भी ये समझ नहीं आता कि उसके सामने उसकी माता है या फिर कोई मेमना, वो बस प्रहार करने के लिए ही विवश है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जैसे तैसे करके राधा बाघ को चकमा दे के बरसाने की ओर निकल ही रही होंगी और बरसाने के मार्ग पर जाने लगती हैं, लेकिन पीछे से बाघ आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। तभी बलराम दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे ना तो कान्हा ने कुछ बताया है और ना राधा ने कुछ, और ये दोनों ही द्वारका से गायब हैं, यकीनन ये दोनों बरसाना ही गए होंगे। मैं भी इनका बलराम दाऊ हूँ और इनसे मैं वहीं मिलूँगा और मैं भी वहीं जाता हूँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि बाघ राधा के सामने आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। ये सब कुछ कृष्ण और जामवंती सदृश रूप से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुला गाय आती है और कहती है कि तुम मुझे खा लो बाघ, लेकिन एक बार मैं बरसाना जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाया हूँ, उसके बाद मैं स्वयं तुम्हें शिकार करवाने के लिए खुद आ जाऊँगी। यहाँ पर बहुला की बात सुनकर सांप जो बाघ बना होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये बात कैसे मानूं कि तुम वापस लौट कर आओगी। तो गाय यहाँ पर वचन देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं अवश्य लौट कर आऊँगी। बाघ रूपी सांप कहता है कि ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हारा यहीं
इंतज़ार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और ध्यान रखना अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर राधा और बहुला द्वारका से बरसाने की ओर चली जाती हैं। और यहाँ पर बरसाना पहुँचते ही राधा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उन्हें कण कण में श्री कृष्ण का अनुभव होता है और जामवंती कहती है कि ये भला कैसे हो सकता है, राधा ये सब ढोंग कर रही है। कृष्ण जामवंती को समझाते हैं और कहते हैं कि ढोंग तो तब किया जाता है जब कोई दर्शक हो, उसे क्या पता कि हम और तुम उसे देख रही हैं, वो तो सिर्फ अपना भाव व्यक्त कर रही है जो वो इस समय महसूस कर रही है। यही बात सुनकर जामवंती काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।